हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चिकन मोमोज बनाना सिखाऊंगा। चिकन मोमोज की मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली है अपने चैनल पर, बट जो आज मैं आपको मोमोज बनाना सिखाऊंगा ना, वो हम मैदे के नहीं बनाएंगे, गेहूं के आटे के मोमोज बना के तैयार करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं ना आटे वाले चिकन मोमोज, टीम आप अपने घर पर कैसे बना सकते हो और मोमोज की चटनी कैसे बना सकते हो, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। उसके बाद आप इस तरीके के चिकन मोमोज टीम बना पाएंगे और उसके साथ में ही मोमोज की फ्रेश चटनी भी आप अपने घर पर बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। आटे वाले चिकन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा चाहिए हुआ। आटा लिया यहाँ पे मैंने बेड, इसका लगभग 750 ग्राम है। आटे को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से छान लिया। उसके बाद इसकी डो लगा के तैयार करेंगे। डो मीन्स होता है आटे को गूंद लेना। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि जब हम मोमोज खाएं तो बाहर से फीके नहीं लगने चाहिए। आटे में जितना हमने सॉल्ट ऐड किया ना, उतनी हम शुगर भी ऐड करेंगे। उसके बाद शुगर और नमक को हमने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मोमोज को बाहर से खस्ता करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। डो बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसमें दूध भी डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कितने पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा पानी डाल के आपने आटे को इकट्ठा कर देना है। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है ना, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तो आपने भी इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। एक ही बारी में पानी डालेंगे ना आपका डो गीला बनेगा, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि आपको पता लग जाए कितने पानी की ज़रूरत है। और एक बात, जब हम मोमोज के लिए डो बना के तैयार करें ना, थोड़ी टाइट सी डो लगा के तैयार करनी है, ढीला नहीं होना चाहिए डो हमारा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने चिकन मोमोज बनाने के लिए आटे की डो बना के तैयार कर दी। आपने भी इसी तरीके से टाइट सी डो बना के तैयार करनी है। उसके बाद इस डो को हमने रेस्ट देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे इस डो को। ऊपर से आपने इस डो को किसी कपड़े के साथ कवर करके रखना है, डो हमारा सूखना नहीं चाहिए। आटे की डो को यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया। तब तक बाकी तैयारी करते हैं, मोमोज का मसाला बना के तैयार करते हैं। अब चिकन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन चाहिए होता है। चिकन लिया यहाँ पे मैंने, चिकन का वेट लगभग 300 ग्राम है। चिकन को यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया चॉपर के साथ। आप इसको मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। इस तरह का कीमा बना के तैयार करना है आपने। उसके बाद चिकन कीमा में हमने प्याज ऐड करना है, तो प्याज को जितना आप बारीक कर पाएं उतना आपने प्याज को बारीक काटना है। प्याज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो 300 ग्राम चिकन में कम से कम आपने 2 बड़े बड़े प्याज चॉप करके डाल देने हैं। उसी के साथ मैं काफ़ी सारा यहाँ पे मैं बारीक चॉप करके लहसुन ऐड कर रहा हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पे मैं हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर रहा हूँ। अगर आप बच्चों के लिए मोमोज बना रहे हैं तो हरी मिर्ची को आप स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ मैं स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। उसी के साथ में थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर चिकन मसाला नहीं है ना आपके पास, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चिकन मसाले के बिना भी आपके चिकन मोमोज अच्छे बनेंगे, पर कुटे हुए काली मिर्च आपने जरूर डालने, जैसे मैं डाल रहा हूँ 1 छोटे चम्मच भर के। कुटे हुए काले मिर्च डालने से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर मोमोज में आता है। थोड़ा सा आपने बारीक कटा हरा धनिया भी ऐड कर देना है। बस इतना कुछ ही डालेंगे। उसके बाद इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं आप चिकन मोमोज बनाने के लिए चिकन मोमोज का मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप भी इस तरीके से मोमोज का मसाला बना के देखिए, काफ़ी अच्छे मोमोज बनेंगे। तो देख सकते हैं आप मोमोज का मसाला बनके तैयार हो चुका है। आटे की डो लगा के रखी थी ना, अच्छी तरह से सेट हो गई है। कम से कम 15 मिनट इसको मैंने रेस्ट दिया। उसके बाद मोमोज बेलना स्टार्ट करते हैं, पत्ते बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। तो थोड़ा सा सबसे पहले आटा ले लेते हैं। टेबल पे सबसे पहले आपने सूखे आटे की डस्टिंग करनी है। सूखे आटे की डस्टिंग करने के बाद आपने गूंदा हुआ आटा लेना है। आटे का ना आपने रोल जैसे बना के तैयार करना है। सबसे पहले जैसे मैं बना रहा हूँ ना, इस तरह से आप रोल बना दीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे रोल जैसा बना दिया। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमने, इस तरह से कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे पेड़े मोमोज बनाने के लिए। पेड़ों के ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी आटे की डस्टिंग कर देनी है। डस्टिंग करने से ना पेड़े आपस में चिपकेंगे नहीं, ना ही टेबल को चिपकेंगे। हाथ से पेड़ों को इस तरह से धोना है सबसे पहले। हाथ से धोने के बाद पेड़े को हमने बेलना है। किस तरह से बेलना है, एक साइड बेलना है इस तरह से, उसके बाद इसको पलटी करना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से बेलना है इसको। तो इस तरह का पत्ता आपने बना के तैयार करना है आटे वाले चिकन मोमोज बनाने के लिए। देख सकते हो अब यहाँ पे मैं जितने मोमोज बना के तैयार कर रहा हूँ, सारे के सारे पत्ते मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद मोमोज को स्टफ करेंगे। तो अब मैं आपको मोमोज स्टफ करना सिखाऊंगा। पत्ता लेना है आपने इस तरह से। उसके बाद इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने मोमोज का बना के रखा है चिकन वाला। उसके बाद पत्ते को हमने आगे से इस तरह से बंद कर लेना है, इस तरह से दबा के इसको बंद करेंगे। उसके बाद एक साइड से हमने इसको इस तरह से दबा लेना है, इस तरह से इसको बंद करना है। दूसरी साइड भी इसको इस तरह से दबाना है, इधर से भी बंद कर लेना है। फिर हमने इसको इधर जोड़ देना है। उसके बाद एक साइड से फिर से इसको हमने दबाना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से दबाएंगे, फिर से हमने इसको इस तरह से जोड़ लेना है। उसके बाद फिर से हम इसको एक साइड से दबाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से दबाना है। दबाने के बाद इसको हमने फिर से जोड़ लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर से एक साइड से इसको दबाना है, इस तरह से हमने दूसरी साइड भी दबाना है, फिर इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है। तो इस तरह से आपने भी मोमोज बना के तैयार करना है चिकन वाला। एक मोमोज मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। पत्ता लेना है आपने इस तरह से, मिक्सचर आपने इस तरह से डाल देना है चिकन का कीमा। इधर से आपने इसको बंद करना है, इधर से बंद करने के बाद आपने इसको इधर से पकड़ना है, इधर से बंद करना है, फिर दूसरी साइड से पकड़ के ना इधर से बंद कर देना है, फिर आपने इसको इधर जोड़ लेना है।
इसी तरह से हमने इसको इधर से भी दबाना है, दूसरी साइड भी दबा के ना इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इधर से दबा के, इधर से दबा के, फिर से इधर जोड़ देना है इसको। इधर से दबाना है, इधर से दबाना है आपने इसको। दबा लिया उसके बाद इसको इधर जोड़ लेना है, उसके बाद इसको इधर से बंद कर लेना है। अगर आप इस तरह से मोमोज नहीं बना पाएंगे ना, आप इनको गोल बना के भी तैयार कर सकते हैं। पत्ता लेना है आपने, ऊपर मिक्सचर रखना है मसाला मोमोज का, उसके बाद आपने इसको इधर से पकड़ना है, इधर बंद कर लेना है इसको। बंद करने के बाद आपने इसको अंगूठे से पकड़ लेना है, इधर से उंगली से इसको इस तरह से जोड़ते जाना है आगे आगे। अंगूठा नहीं छोड़ना है आपने लास्ट तक, इस तरह से आपने छोटा छोटा करके इसको ना फोल्ड करते जाना है, और इस तरह से आपने लास्ट में इसको इधर जोड़ लेना है। इस तरह से आपने अंगूठा नहीं छोड़ना है, इस तरह से आप आसानी से मोमोज बना पाएंगे। एक गोल वाला मोमोज मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। इस तरह से पत्ता ले लीजिए जो बेल के रखे होंगे, मिक्सचर रखना है इस तरह से मोमोज का जो मसाला बना के रखा है, इसको इधर से दबाना है, इधर से इसको दबा लीजिए, अंगूठे से इसको इधर से पकड़ लीजिए आप। उसके बाद उंगली से ना आपने इसको इस तरह से करते जाना है, और अंगूठा नहीं छोड़ना है लास्ट तक, इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है उंगली से थोड़ा थोड़ा करके, आराम से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। अंगूठे से आपने इसको पकड़ के ही रखना है, इस तरह से आपने इसको लास्ट में इधर जोड़ लेना है। इस तरह से बिल्कुल आसान है मोमोज बनाना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने सारे के सारे मोमोज बना के तैयार कर दिए। उसके बाद हमने इनको स्टीम करना है। मोमोज को स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टीमर रखा है, थोड़े थोड़े इसको घी लगाएंगे ताकि मोमोज स्टीमर को चिपकने नहीं चाहिए। आपने भी इस तरीके से घी या ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा देना है। उसके बाद स्टीमर में हमने मोमोज को स्टीम करने के लिए डाल देना है। एक ही बार में हमने मोमोज को स्टीम कर लेना है। अब इनको स्टीम कितने देर करना है, फुल स्टीम करने के लिए इनको 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे। उसके बाद स्टीमर को हमने ऊपर से बंद कर देना है और मोमोज को हमने स्टीम होने देना है कम से कम 15 मिनट तक। तो देख सकते हो अब यहाँ पे मैं मोमोज को स्टीम कर रहा था, पूरे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में मोमोज अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं। उसके बाद मोमोज को यहाँ पे मैं एक प्लेट में निकाल के रख रहा हूँ। उसके बाद इसकी चटनी बना के तैयार करेंगे मोमोज वाली। उसी के साथ मैं मोमोज की चटनी बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से। ऑयल ऐड करेंगे, सरसों के ऑयल का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए। सरसों के तेल को हमने दूंगा निकलने तक अच्छी तरह से गर्म करना होता है। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो लगभग एक छोटा सा प्याज यहाँ पे मैंने चॉप करके डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। तो 1.5 बड़ा चम्मच भर के आपने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देनी है। अदरक लहसुन की पेस्ट को थोड़ी देर के लिए आपने पका लेना है। उसके बाद आपने मिर्ची डाल देनी है इसमें। चिली फ्लैश का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुटी हुई मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं आप। मिर्ची को भी आपने थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ पका लेना है। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। उसी के साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, रेड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा। उसी के साथ में 1 चम्मच भर के टमाटो सॉस का भी ऐड करेंगे। टमाटो सॉस डालने से ना तीखी मीठी चटनी बनके तैयार होगी। उसके बाद टमाटो सॉस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। उसी के साथ में थोड़े से कुटे हुए काले मिर्च जरूर ऐड करने हैं, इनसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। तो देख सकते हैं फ्रेश मोमोज की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप चटनी बनाएंगे ना, सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप इस तरह की मोमोज की चटनी बना पाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने मोमोज की चटनी भी बना के तैयार कर दी, मोमोज भी बना के तैयार कर दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।